morning to everyone. Today I will work on next topic, that is cross product of two vectors. सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ डॉट प्रोडक्ट को शॉर्ट में या फिर से देखो। कल मैंने पढ़ाया था आपके पास दो वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है बी। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है थीटा। तो ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी लिखते हैं। डॉट हो या क्रॉस हो, ये दोनों प्रोडक्ट अभी डिफाइंड होगा जब दोनों क्या हो वेक्टर हो। कोई कहेगा टू डॉट बी डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है क्योंकि टू वेक्टर ही नहीं। कोई कहेगा आपसे टाइम डॉट डिस्प्लेसमेंट डिफाइंड है, नहीं। कोई कहेगा एस डॉट एस डिफाइंड है, यस है, फोर्थ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोई कहेगा पी डॉट बी डिफाइंड है, यस है, डेंसिटी वेक्टर पी वन। मतलब डॉट या क्रॉस तभी डिफाइंड होता है जब दो वेक्टर्स आपके पास दिए गए। ए डॉट बी को हमने कल लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, सही है। कल आपको मैं पढ़ाया था अगर ए और बी कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, वेक्टर कंपोनेंट मतलब मान लो ए इक्वल टू दिया हुआ है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, और वेक्टर बी इक्वल सपोज को दिया हुआ है थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस टू के कैप। तो आपको पढ़ाया था ए डॉट बी निकालने के लिए एंगल की कोई जरूरत नहीं है, विदाउट एंगल निकल जाएगा ये, तो सीखा है ना। यस, आई को आई से करते हैं, जे को जे से करते हैं, ओके ओके। इसका मतलब क्या होगा, अगर कंपोनेंट दिया हुआ है एंगल की कोई जरूरत नहीं है, ए के रूप में काम कौन कर रहा है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप डॉट, बी के रूप में काम कौन कर रहा है थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस वन टू के कैप, सही है। आई कैप को आई कैप से कल्पा है, ये भी आपको याद होगा हमारे ख्याल से, आई डॉट आई क्या होता है वन, जे डॉट जे ये भी क्या होता है वन, और के डॉट के ये भी वन होता है। जितने भी लाइक वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा वन होगा। तो आपको पढ़ा है जितना भी लाइक वेक्टर है उसका डॉट क्या होता है वन, जितना भी अनलाइक है, अनलाइक मीन्स आई डॉट जे जीरो होगा, जे डॉट के जीरो होगा, I dot K, ये भी क्या हो जाएगा काम के तो कैसे हुआ ये सब क्या है यूनिट वेक्टर है, सबका मैग्नीट्यूड क्या होता है वन होता है। कल आपको पढ़ाया था अगर डॉट निकालना हो दो वेक्टर का, एंगल दिया हुआ नहीं है बट वेक्टर का कंपोनेंट दिया हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में, तो उसे निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, क्या करना है आई को आई से करते हैं। तीन दो छह हो गया, पहले आई डॉट आई क्या हो गया वन, आई डॉट जे जीरो होता छोड़ दिए, आई डॉट के जीरो छोड़ दिए, इस तरह इसको भी जे डॉट आई जीरो होता छोड़ दिए, जे जे क्या हो गया बाढ़ हो गया जीरो गया, हट गया चार के बारह हट गया खत्म हो गया, चार दो नहीं मिस आई को आई से करना है, जे को जे से, के को के से, ठीक है। तो कितना हो गया चौदह दो हो गए, ठीक है। अब तुम चाहोगे इस दोनों के बीच एंगल क्या है, कि आपको पता है कि ये किस पॉइंट को शो कर रहा है, ये पॉइंट शो कर रहा है टू थ्री फोर, ये पॉइंट शो कर रहा है थ्री माइनस फोर टू, बराबर ये ओरिजिन है मान लो, ओरिजिन से ये वेक्टर आपका मिला ए ज्वाइन कर जिसको ये मान लो क्या वेक्टर बी हो गया, दोनों के बीच का एंगल इसको निकालना है उसी को कहते थीटा। इस थीटा को निकालने के लिए आपके पास ए डॉट बी का मान कितना मिला दो मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या अंडर रूट कितना होगा अंडर रूट दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का सोलह, मैग्नीट्यूड बी क्या होगा तीन का स्क्वायर नौ चार का सोलह दो का चार कॉस थीटा, मिल जाएगा ये ठीक है। मतलब एंगल अगर सही पढ़ो, एंगल अगर दिया हुआ नहीं है दो वेक्टर कंपोनेंट दिया गया है तो उसको हम इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पर कल काम किए थे, इस पर दोबारा फिर से बोल दिए ताकि किसी को अगर दिक्कत भी होगा तो क्लियर हो जाए। चलिए ये दो वेक्टर का डॉट के बारे में था जिसको हम लोग बता दिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज को आप ध्यान रखिएगा जो कि यूज में आएगा और कल लिखा है इसको आपको हम कि ए प्लस बी वेक्टर का अगर स्क्वायर है इसको लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का, कैसे बताइए
मतलब तुम सिंपल में समझो, इसको और सिंपल में कहो तो ए डॉट ए को लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का, है ना, वी डॉट बी को मैग्नीट्यूड ऑफ बी का, है ना, या वही चीज ए डॉट ए, मतलब इसको हम लोग ए डॉट ए, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का, इसको भी कल लिखाए थे, ध्यान रखना सभी। आगे हम लोग आज काम करेंगे क्रॉस पर, कुछ प्रॉब्लम इसका दिए नहीं थे आपको, कम प्रॉब्लम आपको हम आज सेंड कर देंगे, याद से भूल जाएंगे तो मांग लो जरूर। क्रॉस पर ये क्रॉस क्रॉस इंपॉर्टेंट है, क्रॉस समझना भी है, क्रॉस का यूज सेकेंड पार्ट ऑफ बुक में, फर्स्ट पार्ट में नहीं है। फर्स्ट पार्ट जो बुक का पेज का आपका है, इसमें क्रॉस का यूज कहीं पर भी नहीं है, हर जगह डॉट का यूज है, क्रॉस का यूज सेकेंड पार्ट में है। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट का ही सेकेंड पार्ट का ही ध्यान रखो। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ा कुछ जान लीजिए, ट्वेल्थ के मैथ में पढ़ना आपको। क्रॉस प्रोडक्ट का एक और नाम क्या बोले आपको, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर है ए और बी, ए और बी आर टू वेक्टर, देन ए क्रॉस बी को कहा था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इनटू व्हाट एन कैप, जहां मैंने आपको कहा था व्हाट इज एन कैप, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड, इसे सबसे अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं, पहला देखो, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास ये तीन वेक्टर है, एक वेक्टर आई है क्रॉस दूसरा वेक्टर जे, आई क्रॉस जे निकाल, आई होता है एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर, जे होता है वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर, ये होता है जेड के, ये एक्स है, एक्स निकाल ये वाई के, एक्स के अगर आई कैप है वाई के अलाउंड जे कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो गया आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो गया जे कैप, साइन क्या हो गया आई और जे के बीच का नाइनटी नाइनटी, और इस दोनों के परपेंडिकुलर कौन वेक्टर है जो यूनिट है, ये इस दोनों के साथ नाइनटी बना, ये क्या है, ये किसके लॉन्ग हो गया जेड के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग को वेक्टर ऑफ क्या लेते हैं के कैप, मतलब कि एन कैप के रूप में काम कौन के यहां पर, ठीक है, तो परंतु नहीं है आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा वन, जे का भी क्या होगा वन, ये गुना दुबड़ास था, इन सबके बीच जो गुना है वो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, ऑर्डिनरी मतलब जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दो गुना तीन छह होता है, वन है इसका मैग्नीट्यूड वही होगा, साइन नाइनटी भी वन होगा, इंटू क्या हो गया के पाई, वन इंटू वन इंटू वन 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 इंटू क्या क्या, इसका मतलब आई क्रॉस जे वन नहीं होगा, आई क्रॉस जे जीरो भी नहीं होगा, क्या होगा, ठीक है, ये प्रूफ किया गया आपको। अब यहां पर एक सवाल है, सवाल क्या, आई क्रॉस जे, ये आई था ये जे, आई से जे गए, आई से जे गए, हम कहां आया बाहर आया, बाहर प्लस क्यों है ना, प्लस क्या आया, वही कोई कहता जे क्रॉस आई ब्लड दिया ना, जे से आई, जे कौन है जे है, जे से आई, जे से आई हम कहां गया, इनवर्ड, इनवर्ड मतलब जेड का पॉजिटिव तो इस तरफ होता है, जेड का नेगेटिव, और इसका आंसर सॉल्व करने पे क्या होता, इसका वन इसका भी वन इसका भी वन, बट यहां क्या माइनस के होता, क्या आता, ठीक है, याद रहेगा,
एन कैप का मतलब हुआ एक ऐसा वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर। मान लो एग्जांपल और देते हैं, ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी है, दोनों के बीच का एंगल क्या है थीटा, लाइक दिस। ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, दोनों ए बी सामने नहीं है, कुछ प्लेन पे ऐसे रखा हुआ, ऐसे ऐसे में ऐसे ऐसे, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल क्या है, एंगल मापना कहां से कहां है, अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हो, ए क्रॉस बी कहां से कहां, ए से बी, ए से बी, ए से बी थम कहां गया ऊपर, दिस इज एंगल, ये क्या हो गया, ठीक है। मतलब इसका एन कैप कहां होगा, इसका एन कैप कहां होगा सर, जस्ट ऊपर होगा जो इस दोनों के साथ 90 एंगल बनाएगा, वही अगर बी क्रॉस ए, बी से हम कहां गया, मतलब कि माइनस एन कैप, ए इस तरफ है, बी इस तरफ है, एन कैप कहां होगा इसके जस्ट नीचे, यहां भी 90 तो दोनों बनेगा, 90 नहीं बना, 90 बन रहा है कि नहीं, 90 यहां बन रहा है, 90 यहां बन रहा है, बन रहा है एन कैप, ठीक है। एन कैप का मतलब तो ठीक है, क्या हुआ, एन कैप मतलब एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होगा किसके, ए और बी के, बस इतना ही नहीं, ए से बी जा रहा है कि बी से, वो हमें ए से बी ऐसे राइट हैंड को कर्ण करना, ए से बी कुछ बात है, बी से ए, ठीक है। अब इन सबको इस तरह से निकालना बहुत लंबा है ना, हले आई निकालो, जे निकालो, किसके परपेंडिकुलर उसको निकालो, सोचो अभी फुट प्रो सॉल्व को तब चला आएगा। सबका एक शॉर्ट ट्रिक दिया गया है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है कि एक सर्कल बना लीजिए, सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज आप आई जे के ले लीजिए, सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज क्या है आई जे के, सर्कल में पर आपसे पूछे आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे क्या बचा, कैंसर हो गया, कोई पूछेगा आपसे जे क्रॉस के क्या होगा, क्या बोलोगे आई जे क्रॉस के, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, सही है। कोई पूछेगा आपसे के क्रॉस आई ये क्या होगा, इवन क्लॉकवाइज जो बच गया, कोई कहेगा आपसे बताओ जी आई क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस उल्टा हो गया माइनस, उल्टा जहां होगा नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो पॉजिटिव, बस इतना ही होता है। शॉर्ट ट्रिक है, सर्कल का ट्रिक है, इसको याद रखिए, सारा फटाक करके मिले, इतना करना हर संभव नहीं है, देखो उसको। ये तो वह आई जे और के का अगर क्रॉस निकालना होगा शॉर्ट में, सर्कल के इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। चलिए एग्जांपल देते वैसा ही जैसा वहां दिए, देखो ध्यान क्रॉस आपको अलग लगेगा, डॉक्टर ए का कंपोनेंट मान लो दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस कैप, वेक्टर बी का कंपोनेंट दिया गया आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, निकालने का ए क्रॉस बी, तो तुम लोग जैसा जॉइन क्या करेगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप क्रॉस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, इसको से करेगा क्या होगा, यहाँ जीरो होगा, डॉट नहीं है, क्रॉस वन जीरो क्यों होगा, अंतर आई और आई जब दोनों सेम डायरेक्शन में है इसके बीच अंदर जीरो, साइन जीरो क्या होगा, जीरो जीरो, जे डॉट जे भी यहाँ क्या होगा, जे क्रॉस ए जीरो, के क्रॉस के भी क्या होगा, ठीक। हाँ आप लोग जरूर क्या करेंगे, आप लोग इसको ऐसे लिखेगा, पहले इसको ऐसे गुणा करेगा, इसको ऐसे करेगा, इसको ऐसे करेगा, फिर इसको ऐसे, समय 9 बार गुणा करना पड़ेगा, 9 बार गुणा करोगे तो भी आंसर उतना ही आएगा जितना आंसर एक और तरीका से आएगा, ठीक है। ये तरीका यूज नहीं करते हम, जो हम आप लोग करते आ रहे हैं या कीजिएगा, ऐसे नहीं करते 2 इंटू आई क्रॉस आई फिर 2 इंटू माइनस 2,
आई कॉस जे, सबका मान यहाँ निकालते वहां रखते जोड़ते डालते सॉल्व करने तक बनता, और यहाँ जीरो होने का चांस बहुत कम है। हाँ जीरो सी में होगा ना, यहाँ जीरो नहीं होगा, यहाँ जीरो नहीं होगा, यहाँ जीरो नहीं होगा, यहाँ जीरो होगा, यहाँ जीरो नहीं होगा, है कि नहीं? इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स उस टाइप का बनाना। यहाँ तरीका क्या शुरू होता है, यहाँ तरीका है कि डिटरमिनेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। चैप्टर है मैथ का क्लास 12, ए क्रॉस बी निकालना है, आई को आई छोड़ दीजिए, जो जो कंपोनेंट जे को जे के को, पहला वेक्टर ए है, ए का कंपोनेंट कौन, आई का कंपोनेंट दो है, दिया क्या है तीन, के क्या है कुछ नहीं बोल, यहाँ पर आई का वन माइनस टू सही, यहाँ आई कैप लिखा, यहाँ आई कैप लिखा, आई कैप रो कहाँ है, फर्स्ट रो में है, और कहाँ है, फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, खत्म कर मिटा दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे क्या बचेगा, ये बचेगा, फर्स्ट रो मिटा दिए, फर्स्ट कॉलम मान लो मिटा दिए, ही चार्ट में बचा लो, क्रॉस में डिटाइप हो इसका तीन माइनस पढ़ा हो तीन माइनस माइनस टू क्या पांच आएगा, पांच बढ़ थ्री माइनस आई हो गया, ये जगह बीच का जगह है, बीच का जगह नेगेटिव होता है, क्या होता है नेगेटिव, क्यों होता है ध्यान रखिए, इसको पढ़िएगा सिर्फ जान जे का टर्म नेगेटिव मिलेगा है डिलीट करो क्या बचा दो एक एक एक, ये हट गया, ये हट गया, बचा ये दोनों चार दो गुना एक दो माइनस फॉर्मूला माइनस एक गुना एक प्लस, ये कहां है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हट गया, ये बदल से माइनस चार माइनस सही है, आंसर क्या होगा तीन दो पांच आई प्लस दो में एक गया एक माइनस आई माइनस चार माइनस तीन माइनस सात ठीक है, तो बोलो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ही आया ना, आई जे के वेक्टर आया, इसलिए कहा गया इसको वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट वाले में याद करो ए डॉट बी निकाल दो आया था कहीं तीन आया था बस स्केलर आया था, इसलिए नाम क्रॉस का स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट होता है स्केलर ही, जबकि दो वेक्टर का क्रॉस क्या होता है वेक्टर होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ये तरीका ज्यादा आसान रहेगा, इसी का यूज करना है, इससे तुम डिटरमिनेंट भी सीख गए कर सकते, डिटरमिनेंट कैसे बनाते हैं मैथ में, वेक्टर ए इक्वल्स दिया हुआ तुम्हारे पास आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसको बनाइए किसी ए क्रॉस बी निकालो क्या हो, वैसे ही बने शुरुआत था हुआ, देखो शांत रहो सिर्फ एक बार फिर से आप सुन लो, ए क्रॉस बी निकालना है, आई जे के यहां लिखिए पहले, आई का कंपोनेंट पहले में क्या है वन माइनस वन और फिर क्या वन, ये टू वन वन सही है, सही है, मगर आई कैप लिखिए, आई कैप का फर्स्ट रो में फर्स्ट पर मट गया क्या, ये बचा ना वन इंटू माइनस वन क्या होगा माइनस वन, ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है, वन इंटू वन क्या हो गया जगह माइनस का, फिर देखो यहां होगा जे क्या, जे क्या कहां है सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हट गया, वन इंटू वन वन होगा माइनस टू इंटू वन ठीक है, मतलब प्लस क्या क्या, अब ये क्या क्या कहां है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में हट गया,
क्या आएगा वन माइनस थ्री, गुना करने पे क्या माइनस टू आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, बस आंसर हो गया माइनस टू आई कैप माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस जे कैप प्लस कितना सर हो गया ना। ठीक है, ये दो वेक्टर के क्रॉस को निकालने का तरीका हुआ, कहीं किसी को दिक्कत अभी भी है तो बोलो। ये जगह माइनस का हमेशा होता है, हमेशा माइनस होता है। ठीक है, इसको माइनस याद रखिए, हमेशा माइनस जे वाला टर्म बीच में जे वाला टर्म, जे का टर्म निकल, इसका कारण भी है तुमको भी नहीं पढ़ना है। ये भी फॉर्मूला माइनस है, पहले इसको गुना किए माइनस साइन देंगे फिर गुना करेंगे इसको, फिर गुना अभी चल रुके। दो वेक्टर का फॉर्म कर दो, दो वेक्टर का जहां भी क्रॉस होगा वही अपना होगा, ये दो वेक्टर का डॉट रहेगा, कंपोनेंट दिया वो अपना हो। ठीक है, अब दो वेक्टर का क्रॉस तुम जान रहे हो, अब उसके बीच का निकालना एंगल निकल जाएगा एंगल। सुनो डाना, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, ए और बी के बीच का एंगल क्या है, 90 तो बा एन क्या बनाया ना। देखो ए क्रॉस बी को तुमने कहा था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, सही, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी लिए, इस तरफ भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा, सही है। अभी जस्ट ए क्रॉस बी निकाले थे लास्ट आया था, उसका मैग्नीट्यूड निकालो अंडर रूट जिसका स्क्वायर जिसका स्क्वायर 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 घंटे का, ये ए क्रॉस बी अभी जस्ट निकाला था मैंने, मान लो ए क्रॉस बी का मान सॉल्व करने पर जो भी आया था उसका मैग्नीट्यूड निकाल सका है ना, अंडर रूट करके निकाल लेंगे इसका मान, ये आराम से मिल जाएगा। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी खुद से निकाल लोगे, ए दिया हुआ इस फॉर्म में, इसका डाटा तोड़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी खुद से निकाल लोगे, साइन थीटा वो साइन थीटा छोड़ देंगे, एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा वन, एन कैप यूनिट वेक्टर वन मतलब ये वन हट गया, ये निकाल लोगे ये निकाल लोगे ये निकाल लोगे निकल जाएगा, यही करना रहेगा। मतलब तुम कह सकते हो डॉट वाले में तो सिंपल था, क्रॉस वाले में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है ठीक है, ए क्रॉस बी निकालो निकालो बॉक्स ना उस तरह से, फिर उसका मान यहां पुट करोगे, ए का मैग्नीट्यूड पुट करोगे बी का पुट करोगे सॉल्व करोगे जो काट के आएगा वो आंसर, ये भी कॉन्स्टेंट आएगा ये भी कॉन्स्टेंट ये भी कॉन्स्टेंट, जो कटे काटेंगे उधर भेज देंगे उसको कौन, इसको कहते हैं फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन, कोई नाम नहीं फॉर्मूला को सेगमेंट पे। वहां लाइक वेक्टर का डॉट वन था, यहां लाइक वेक्टर का क्रॉस क्या है, हम पेपर लो इसको